हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बैलेंस शीट के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, जिसे यूसेज ऑफ फंड्स या एसेट कहते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में लाइबिलिटीज साइड को समझा था और जाना था कि कैसे लाइबिलिटीज साइड को एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप किसी भी वेबसाइट मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक टाइम्स पर बैलेंस शीट सर्च करते हैं तो उसका फॉर्मेट कुछ डिफरेंट रहता है। अगर आप एसेट साइड में देखेंगे तो उसमें लिखा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फिर ग्रॉस ब्लॉक, लेस डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, उसको हम समझते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि मनी कंट्रोल या अलग वेबसाइट पर उसी चीज़ को कैसे दूसरे फॉर्मेट में बताया होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर्मेट की बात करते हैं। दोस्तों, एसेट साइड में हम आएंगे तो सबसे पहला हेड होता है एसेट साइड में, वो होता है फिक्स्ड एसेट्स का। दोस्तों, फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो कि कंपनी लंबे समय के लिए इस्तेमाल करने वाली है, एक साल से ज़्यादा या कई साल तक, उसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं। दोस्तों, फिक्स्ड एसेट दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं टेंजिबल एसेट। दोस्तों, टेंजिबल एसेट वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम फिज़िकली छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कंपनी की बिल्डिंग है, कंपनी की मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इन सबको हम फिज़िकली छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसलिए इन्हें टेंजिबल एसेट कहते हैं। दोस्तों, एक होता है इनटेंजिबल एसेट। दोस्तों, आईटी कंपनीज होती हैं, उनमें ज़्यादातर एसेट्स उनके पेटेंट्स या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो उनको पेटेंट्स या सॉफ्टवेयर को हम फिज़िकली छू नहीं सकते, तो इसलिए इन्हें इनटेंजिबल एसेट कहा जाता है, क्योंकि हम इन्हें फिज़िकली छू नहीं सकते, इन्हें देख नहीं सकते, तो इन्हें फिक्स्ड एसेट कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि कंपनी किसी दूसरी कंपनी में स्टेक बाय कर लेती है, जो कि लंबे समय तक वो होल्ड करने वाली है, तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोस्तों, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय कर लेती है, कोई लैंड खरीद लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगला हेड आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। दोस्तों, कैश तो आप जानते हैं, नॉर्मली बैंक में जो कैश होता है और जो कंपनी के पास कैश अवेलेबल होता है। एक होता है कैश इक्विवेलेंट। दोस्तों, कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कि कैश के इक्वल। दोस्तों, एक कंपनी के वो एसेट्स होते हैं जिन्हें कंपनी जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकती है। ये हाईली लिक्विड होते हैं, जैसे कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय कर रखे हैं, जो कि वो कभी भी सेल करके उन्हें कैश कर सकती है, इन्हें कैश इक्विवेलेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, अगला हेड होता है डेटर्स का। दोस्तों, डेटर्स वो होते हैं, जब भी कंपनी अपना सामान क्रेडिट में सेल करती है तो उनको बाहर से अमाउंट रिसीव होने वाला होता है, पैसा मिलने वाला होता है, इसलिए उन्हें एसेट साइड में रखा जाता है और डेटर्स के नाम से शो होता है। दोस्तों, उसे रिसीवेबल्स भी कहते हैं, जो कि हम क्रेडिट पर सामान सेल करते हैं कंपनी, तो उन्हें पेमेंट मिलने वाली होती है, तो उसे रिसीवेबल्स भी कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगला हेड आता है लोन या प्रोविज़न का। दोस्तों, लोन अगर कंपनी बाहर से लेती है तो उसे लायबिलिटी होती है कि कंपनी को पे करना पड़ेगा, बट कंपनी कभी कभार लोन दूसरी कंपनी को देती है तो वो एसेट साइड में आता है, क्योंकि कंपनी को उससे पैसा वापस मिल सकता है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ, तो इसलिए उसे एसेट साइड में रखा जाता है, और इसलिए इसे लोन एक हेड होता है और एक हेड होता है प्रोविज़न। दोस्तों, माल को कंपनी की कोई एसेट ख़राब होने वाला हो सकता है, इसलिए कंपनी पहले से उसका एक प्रोविज़न बना लेती है कि अगर वो एसेट ख़राब हो गया तो हमें नुकसान नहीं होगा, हम उस पैसे से उस एसेट को तुरंत बाय कर लेंगे और अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेंगे, तो इसलिए प्रोविज़न और लोन एक हेडिंग आती है एसेट साइड में। दोस्तों, जो भी एसेट एक साल से ज़्यादा समय के लिए यूज़ होने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन करंट एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट, और जो एसेट्स या इन्वेंटरीज रॉ मटेरियल्स एक साल के अंदर में यूज़ होने वाले होते हैं, जिसका प्रोडक्शन एक साल के अंदर अंदर यूज़ हो जाने वाला होता है, उसे कहते हैं करंट एसेट्स। दोस्तों, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट को ऐड करके हम टोटल एसेट्स हमें मिलता है। दोस्तों, इसके नीचे एक हेड होता है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का। दोस्तों, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि जैसे कंपनी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर वो
केस कंपनी के फेवर में नहीं आता तो फ्यूचर में कंपनी को पैसे देने पड़ सकते हैं, बट कंपनी ने अभी पैसे दिए नहीं है, इसलिए उन्हें एक एसेट साइड में हेड बनाकर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नाम का एक हेड बना दिया है कि अगर पैसे देने पड़ेंगे तो हम दे देंगे, वरना वो हमारे लिए एसेट है, कंपनी के पास उतना पैसा एक्स्ट्रा रहेगा, इसलिए उन्हें कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी कहते हैं। दोस्तों यही नॉर्मली एसेट साइड का फॉर्मेट होता है। अब हम जानते हैं कि जो मनी कंट्रोल वेबसाइट या अलग अलग वेबसाइट पर जो बैलेंस शीट दी होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है। दोस्तों उस पर सर्च करेंगे तो सोर्सेज ऑफ फंड को तो लायबिलिटी साइड सेम रहती है, बट जो यूजेज ऑफ फंड होता है उसमें लिखा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फिर होता है ग्रॉस ब्लॉक, फिर लेस डेप्रिसिएशन, फिर नेट ब्लॉक। दोस्तों ग्रॉस ब्लॉक जो कंपनी के जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं उनको ऐड करके उस अमाउंट में से लेस डेप्रिसिएशन किया जाता है, फिर नेट ब्लॉक, नेट ब्लॉक को कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। फिर दोस्तों हमने जाना था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होती है। इन्वेंट्रीज, दोस्तों कंपनी जो रॉ मटेरियल्स खरीदती है वो इन्वेंट्रीज होती हैं। दोस्तों सन्ड्री डेटर्स, बाहर से पैसा मिलने वाला होता है कंपनी को, उन्हें सन्ड्री डेटर्स या रिसीवेबल्स कहते हैं। एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर टोटल एसेट्स, फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, जिसे हमने जाना कि फ्यूचर में अगर कंपनी को कोई कोर्ट केस होता है, अगर वो हार जाती है तो उन्हें पैसे देने पड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे और फिर बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों को कैसे एक साथ एनालाइज किया जाता है। तो दोस्तों उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू, जय हिंद।